इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इंदौर से, जहां विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है 500 से 1000 रुपए तक घूस लेकर परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं सभी बच्चों के पास से मोबाइल भी मिले। प्राचार्य राजेश कपिल पर नकल का गोरख धंधा चलाने का आरोप। आईटीआई कॉलेज में राजेश पिछले 12 वर्षों से जमे हुए हैं, जिनका रिटायरमेंट इस साल अक्टूबर में था। हम आपको बता दें, इस परीक्षा में किसी तरह का पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं था। आज शाम पूरी खबर देखिए न्यूज 29 इंडिया पर।